अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने ये करा कि पीर साहब जो है इन्होंने बैठ के फिर कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद इन्होंने गुच्छा निकाला बैग में से, गुच्छा निकालने के बाद लोग उन्होंने जैसी चाबी लगाई खुल गया ताला। हम लोगों ने एकदम एंट्री दे दी। अब हमें क्या पता था भाई कि इसके पीछे भी एक दरवाज़ा है, वहाँ से भी कोई आ जा सकता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो कारखाने का मालिक अंदर ही बैठा हुआ था, कोई बलोच था। हम लोगों पे जैसे ही नज़र पड़ी कहने का, अरे तुम ये सुनना था कि हम लोग तो निकल के भागे वहाँ से। पीर को पकड़ लिया उन्होंने, वो चाबी वाला जो था, उस चाबी वाले को पकड़ लिया और चाबी के गुच्छे से बहुत धुलाई करिए, बहुत धुलाई करिए, बहुत धुलाई करिए कि 14 तबक रसोन हो गए। इस किस्म का आदमी था वो कि अगर अब हत्ते चढ़ जाते तो मैं यकीन था कि वो सरिया निकाल लेता बका। चलिए आप लोग फूट गए वहाँ से, वो बिलोची कारखाना निकला, पीर साहब की पिटाई, फिर आप लोगों ने क्या किया? इसके बाद हमने एक आदमी को घेरा, अब्बा मियाँ ने एक आदमी को घेरा पार्टनरशिप के अंदर एक कारखाना खोलने के लिए, जूतों का कारखाना बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप करी। अब पार्टनरशिप के अंदर जो थी वो हमारे अब्बा ने जो शरायत रखी थी वो बड़ी मजे नहीं, तो उनके पास जगह थी, मैं बता रहा हूँ ना सारी बात बता रहा हूँ, उनके पास जगह भी थी, इनके पास पैसा भी था, मगर अकल अकल नहीं थी इनके पास। हमारे पास जगह भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, मगर अकल थी। ठीक है, अब्बा ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो पार्टनर के ख़ानदान वालों की भी समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या करा कि रब्ता करा एक वकील से। अब अब्बा को पड़ गई भिनक, अब्बा मुझसे कहने लगे, नफीस ये वकील से मालूमात कर रहे हैं। लो भाई अब्बा वहाँ पहुँच गए और अब्बा ने मनमोहन के घर का एक पलंग, एक अलमारी और एक सोफा पुराना वो जाके उनको दे दिया, वकील साहब को, वकील साहब को दे दिया। वकील साहब को जब ये चीज़ें मिली ना तो वो तो अब्बा के पैरों के सरिये पे पड़ गए। खैर अब जनाब क्या हुआ? नहीं तो वकील ने क्या कहा उनसे? वकील ने कहा कि भाई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। ये पार्टनर से कहा? नहीं नहीं, इससे विनो ने मेरे अब्बा के पार्टनर से कहा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, चीज़ें जो मिल गई थी। अच्छा अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था भाई अनवर कि जानवर पकड़ेंगे हमारे पार्टनर। क्या जानवर पकड़ेंगे? अब्बा की सियाणपति आपको नहीं पता, अब्बा बड़े सियाणे आदमी थे। वो ये था कि जानवर पकड़ेंगे हमारे पार्टनर, गोश्त आएगा हमारे घर पे, चमड़ा जाएगा हमारे कारखाने में, 60% मुनाफा जो है वो हम लोग लेंगे, 40% मुनाफा जो है पार्टनर को देंगे। ये सुनते ही जनाब वकील के तो कान खड़े हुए, कहने लगा 2 किलो गोश्त जो है वो मेरे घर भी आएगा। अब्बा ने फटा मचा दी, वो इतनी आसानी से काम मानने वाले थे। खैर खुदा खुदा करके 1 किलो के ऊपर अब्बा राजी हुए, वो भी इस शर्त के ऊपर कि सुबह वो वकील साहब खुद आके गोश्त लेके जाएंगे दुकान से। मगर आप लोगों की हरकतों पर तो एक फिल्म बन सकती है। हरकतें क्या मतलब है भाई अनवर, आपने ये क्या बात करी है, ये क्या पोज बात करी है आपने कि हरकतें, हरकतें क्या भाई, हमारा हक है कि हम हिंदुस्तान में छोड़ के आए थे। मैं क्या छोड़ के आए थे, दिल्ली में आपकी दुकान थी जूतों की। ये इस तरह का शाउट करके बात नहीं करना मेरे साथ, मैं बता रहे हूँ दिल्ली में, कि दिल्ली में जो है ना हमारे जो जूते थे वो गोरे पहनते थे, गोरे, समझ में आई बात भाई अनवर, ऐसे नहीं गोरे पहनते थे। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना है कभी आपने? एक दफा लॉर्ड माउंटबेटन ने अब्बा को बुला के कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐसे जूते बनाना कि जब वो चले तो उसमें से चू चू की आवाजें आए ताकि मुझे पता चल जाए और मैं अपनी बीवी के पास वहां लॉन में पहुंच जाऊं। बात कर रहे हैं आप? देखिए जहां तक मुझे मालूम है, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जिसमें लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी हिंदुस्तान का बना हुआ जूता नहीं पहना। इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं।